हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SNMIS एंड दिस इज दीपक ठाकुर हियर। सो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको डिटेल में जो है वो इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। हालांकि ये जो टॉपिक है वो रिसेंट न्यूज़ में चला हुआ है, चर्चा पे चला हुआ है ना। मोदी जी ने भी इसके बारे में एक अपने कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है इसके बारे में बताया है ना। तो वो जो चीज़ है वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या चीज़ है? दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC, ठीक है। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यानी कि UCC है, सबसे पहले मैं आपको अगर ये बताऊं तो इट कम्स अंडर आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 आता है, तो आर्टिकल 44 का मतलब क्या है कि आपका कौन सा है ये? आपको पता है आर्टिकल 36 से लेके 51 किसके बीच में आते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो यानी कि ये वाला जो आर्टिकल है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है, ये किस में आता है? आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में जो है वो आता है ना। अगर मैं बात करूं तो अभी तक इंडिया में सिर्फ गोवा एक ऐसी स्टेट है जहां पे एक कानून फॉलो होता है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो जितना भी बाकी इंडिया है वो वहां पे कुछ रिलीजियस और कॉम्युनल लॉज जो है, वो माइनॉरिटीज के लॉज, रिलीजियस लॉज या कोई अदर जो आपके लोकल लॉज हैं वो वहां पे फॉलो किए जाते हैं बाकी पूरे देश में, ठीक है, अदर देन गोवा। ये जो है वो आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिर्फ मुस्लिम के ही लॉज नहीं है, हालांकि हिंदू, जैन, बुद्धिज़्म, सिख, इनके भी जो है वो अपने अपने एक लॉज हैं जो कि गवर्न किए जाते हैं उनके अपने ही जो मतलब हेड्स हैं उनके द्वारा, ठीक है। और इनके सभी के जो है वो अपने लॉज होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें सिर्फ मुस्लिम्स के ही लॉज नहीं है, हिंदू के भी अपने पर्सनल लॉज हैं, सिख्स के अपने पर्सनल लॉज हैं। तो ये सारे पर्सनल लॉज, ये इनको बोलते हैं रिलीजियस जो लॉज हैं, ठीक है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि इन सभी का एक ही कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी कैटेगरी का है, एक कानून जो है वो फॉलो होगा, ठीक है। अगर हम चलें, ठीक है, तो ये देखिए जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चैलेंजेस क्या क्या आएंगे UCC को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि UCC इतनी आसानी से तो आप देश में ला नहीं सकते, है ना, क्योंकि उसका अपोज भी बहुत हो रहा है ना, और जब आप कोशिश करोगे लाने की तब भी होगा, है ना। तो ये चैलेंजेस जो है वो UCC को इम्प्लीमेंट करने में फेस किए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपके पर्सनल लॉज या कस्टमरी प्रैक्टिसेस होती हैं, है ना, चाहे वो हम हिंदुज़म में देखें, मुस्लिम में देखें, बुद्धिज़्म में देखें, सिख्स में देखें, तो वहाँ पे उनके अपने पर्सनल लॉज हैं, अपने कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं। यानी कि कस्टमरी प्रैक्टिसेस का मतलब है कि जब किसी की शादी होती है, कोई पैदा होता है या किसी की मृत्यु होती है, तो उनके अपने वहाँ पे जो है वो चीज़ें वो मतलब करते हैं वहाँ पे, ठीक है, अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। और साथ में जो इंडिया है, द कंट्री ऑफ डाइवर्स रिलीजियस कल्चर एंड ट्रेडिशन, ठीक है, तो वहाँ पे बाकी रिलीजन जो मतलब जितने भी रिलीजन हैं उनके जो अपने पर्सनल लॉज हैं उनको टच करना, उनको हिट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो ये एक चैलेंज जो है वो फॉलो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो रिलीजियस और माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो इसको जो है वो रिसिस्ट कर रहे हैं, है ना। पॉलिटिकल विल एंड कंसेंसस काफ़ी लो हैं, ठीक है। साथ में क्या मतलब है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड कंसेंसस जो है, ठीक है, गवर्नमेंट में या लेजिस्लेचर में या जुडिशरी में या फिर सिविल सोसाइटी में, ठीक है, कि इसको इनिशिएट करना और इम्प्लीमेंट करना UCC को, ये बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो रहेगा इन सभी के लिए। यानी कि अगर हम समाज में देखें तो समाज भी एकदम से इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, या जुडिशरी है, जुडिशरी में भी इसको जो है वो बहुत फाइन तरीके से रखना पड़ेगा, या लेजिस्लेचर से अगर इसको पास करना है, गवर्नमेंट के थ्रू इसको पास करना है, क्योंकि देखिए इसको अगर एक्ट बनाना है, इसको एक कानून बनाना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको जो है वो दोनों हाउसेज से पास करना होगा, प्रेजिडेंट के साइन होंगे, है ना, उसका असेंट जरूरी है। अब अगर इसका असेंट जरूरी है तो ऑब्वियसली वहाँ पे ऑपोजिशन भी होगी, है ना, लोकसभा राज्यसभा में इसको अपोज भी किया जाएगा, ठीक है, जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, सिविल सोसाइटी है, जो आम लोग हैं वो भी इसका विरोध करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो चैलेंजेस इसको फेस मतलब UCC को इम्प्लीमेंट करने के लिए फेस किए जा सकते हैं, ठीक है। साथ में इट ऑल्सो प्रोवोक कॉम्युनल टेंशन, यानी कि एक दूसरे रिलीजन और एक दूसरी कास्ट के लोगों के बीच में जो है वो कॉम्युनल टेंशन वहाँ पर जो है वो पैदा होंगी, है ना, यानी कि हिंदू मुस्लिम हो सकते हैं, वो कोई भी रिलीजन हो सकता है, वो सिख हो सकते हैं, पारसीज हो सकते हैं, बुद्धिज़्म हो सकते हैं, है ना, तो वो कॉम्युनल टेंशन जो है वो बढ़ जाएंगे, क्लियर। उसके बाद इट ऑल्सो रिक्वायर अ मैसिव एक्सरसाइज, क्योंकि इतना बड़ा लॉ है, इतना बड़ा लॉ का मतलब कि इतने छोटे लॉज को ख़त्म करके एक कानून बनाना है, ठीक है, तो वो आसान काम भी नहीं है, उसके लिए काफ़ी जो है वो
ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, कॉडिफाइंग उसको करना पड़ेगा, ठीक है, रेशनलाइजिंग वेरियस पर्सनल लॉज एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया, यानी कि जितने भी पर्सनल लॉज हैं उन सबको हटा के एक कानून बनाना है, तो काफ़ी एक्सरसाइज, मैसिव एक्सरसाइज जो वो रिक्वायर करता है, ठीक है। आगे चलें तो बेनिफिट्स क्या हैं, देखिए अगर किसी चीज़ के अगर नुकसान हैं तो उसके फ़ायदे भी हैं, या किसी के फ़ायदे, तीन तलाक का इशू था है ना, तो वो सब चीज़ें इस तरह से, बाकी भी जो लॉज हैं, बाकी जो रिलीजियस लॉज हैं वहाँ पे भी कम्युनल टेंशन अगर पैदा होती हैं तो उनको भी ख़त्म कर सकता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, यानी कि जैसे हमारे राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, जो ये आपके वर्ड्स हैं, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, जो हम पढ़ते हैं, तो इनको भी जो है वो प्रमोशन मिलेगी, क्योंकि अभी तो हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, बट जब डिफरेंट लॉज हर एक बंदा यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे फिर इक्वालिटी कहाँ पे होती है ना, वो सब चीज़ें जो है वो इस यूसीसी से अपहोल्ड होंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। साथ में जेंडर जस्टिस जो है वो इंश्योर करेगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बात करी, ठीक है, जो कि वुमेंस के साथ होता था, जैसे तीन तलाक का केस था, है ना, वैसे हिंदू में कुछ अदर केसेस हैं, है ना, तो ये जो केसेस था यहाँ पे क्या होता था कि मतलब वुमेंस को जो था वो किया जाता था, लेकिन अब अगर यूसीसी आता है तो वहाँ पे एक कानून बनेगा, एक कानून की वैसे क्या होगा, जेंडर इक्वालिटी होगी, जेंडर जस्टिस मिलेगा, ठीक है, एंड इक्वालिटी होगी बाय रिमूविंग द डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन फेस्ड बाय वुमेन अंडर वेरियस पर्सनल लॉज, ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। इक्वल राइट्स एंड स्टेटस देगा वुमेंस को, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, इन द मैटर्स ऑफ मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्टेशन, ठीक है, या अडॉप्शन, ठीक है, ये सब चीज़ों में जो है वो अपहोल्ड होगा, वहाँ पे इनको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, कि जो वुमेंस समाज के जो बच्चे हैं या फिर जो महिलाएं हैं उनको जो है वो एक अपना राइट मिलेगा, ठीक है, एक जो है वो उनको मतलब इक्वलिटी का जो राइट है, उनको जो जस्टिस है वो वहाँ पे जो है वो प्रोवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल ये बोल सकते हैं कि इट सिंप्लीफाई एंड रेशनलाइज द लीगल सिस्टम बाय रिमूविंग द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ मल्टीपल पर्सनल लॉज, ठीक है, ये बाकी सभी जो एक्स वाई जेड जितने भी कानून हैं उनको खत्म कर देगा और वहाँ पे सिर्फ एक कानून रहेगा, तो एक कानून रहेगा तो इट बिकम मोर एक्सेसिबल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर द कॉमन पीपल, कि रेदर देन रीडिंग अबाउट 100 लॉज आपको सिर्फ एक ही कानून को जो है वो पढ़ना पड़ेगा, तो इट इज बिकम वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू एक्सेसिबल, ठीक है, आप उसको ईजिली जो है वो समझ सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जो भी आउटडेटेड रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस हैं उसको जो वो ख़त्म करेगा और मॉडर्नाइजेशन को जो है वो अपडेट करेगा हमारे कंट्री में, ठीक है, जितने भी मतलब अभी भी किसी किसी गांव में जाएंगे तो काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें जो है वो होती हैं, तो उन चीज़ों को भी जो है वो ख़त्म करके उनको मॉडर्नाइजेशन के साइड पर जो है वो पुश करेगा, ठीक है, ये सब चीज़ें जो रहती हैं, हालांकि चैलेंजेस हैं, ठीक है, बट अगर इसके कुछ फ़ायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको पूछना चाहूँगा कि क्या यूसीसी भारत में आना चाहिए, ठीक है, तो आप अपने व्यूज़ जो हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं, क्लियर है फ्रेंड्स। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, होप सो आपको ये टॉपिक समझ आएगा और ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गाइस विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।